घंटे पहले वेदर वैसा था जैसे आपने देखा, एंड अभी राइट नाउ इट इज लाइक दैट थैंकफुली। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सीना भाटिया एंड वेलकम टू गुड़गांव मॉनसून सीजन। सो पिछले लास्ट 2 डेज से यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं कोई भी अपना ट्रैवल प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ, एंड फाइनली अब जाके थोड़ी सी बारिश रुकी है। ऑल दो द वेदर इज़ लाइक दैट कि कभी भी फिर से बारिश हो सकती है, बट अभी फ़िलहाल मौसम ऐसा है एंड आई कैन गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर समथिंग। सो आज का ये प्लान है कि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि गुड़गांव मॉनसून सीज़न में कैसा लगता है। ऑल दो आपने मीम्स वगैरह तो काफ़ी देखे ही होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है सड़कों पे एंड वो सारी मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम्स तो रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मौसम अभी फ़िलहाल देखोगे बहुत ही अच्छा है एंड डेफिनेटली घूमने फिरने वाला है। तो मैं बाहर जा रही हूँ, विल एक्सप्लोर समथिंग आउटसाइड एंड आज ये कैजुअल व्लॉग आप इन्जॉय करने वाले हो मेरे साथ आप गुड़गांव का। सो बिना किसी देरी के आई थिंक शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा एंड पसंद आए तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तक नहीं किया तो। करते हैं फिर शुरुआत आज की वीडियो की। जहाँ मैं आज आपको लेकर जा रही हूँ उस जगह का नाम है 32nd एवेन्यू माइलस्टोन एंड ये जो जगह है दैट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर लाइक यू नो कैफेज एक्सप्लोर करना, नाइट लाइफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस है ये गुड़गांव की। साइबर हब डेफिनेटली एक जगह है, बट साइबर हब के बाद जो जगह जो रिसेंटली बूम कर रही है मार्केट में इन गुड़गांव तो वो है 32nd एवेन्यू माइलस्टोन। अगर लाइक आपको कैफेज एक्सप्लोर करने हैं, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस, अगर आपको लाइक नाइट लाइफ इंजॉय करनी है तो दैट्स द प्लेस दैट यू शुड गो एट। मैं कभी नहीं गई वहाँ पर एंड मैंने वो कभी एक्सप्लोर नहीं करा, तो आज मैं भी फर्स्ट टाइम ही जाऊँगी वहाँ पर एंड देखते हैं क्या है वहाँ पर ऐसा जिसके लिए इतनी तारीफ सुनने को मिल रही है उस जगह की। तो लेट्स गो। और मेरे घर से बहुत ही पास है वो, इट जस्ट अराउंड 4 to 5 kilometers एंड 10-15 मिनट ही लगेंगे हार्डली पहुँचने में। एंड अभी मैं जा रही हूँ कुछ 6 बजे के अराउंड ताकि मुझे थोड़ा दिन का भी वहाँ पर व्यू देखने को मिल जाए। एंड वहाँ पर वैसे मेन जो है वो है नाइट में व्यू इन्जॉय करने वाला, बिकॉज रात को बहुत ही खूबसूरत लगता है वो। आई थिंक 6:30-7 o'clock इज़ द परफेक्ट टाइम टू गो देयर। चलते हैं अब। अब ऐसे मौसम में गुड़गांव को एक्सप्लोर करने निकल तो गए हैं, बट जिस तरह का एडवेंचर हमें यहाँ पे फेस करना पड़ेगा वो आप देखिए। गाइस जस्ट सी द वाटर, कितना स्ट्रगल करके हम पहुंचेंगे जहाँ हमें जाना है। एडवेंचरली मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे 32nd एवेन्यू पे एंड आपने देखा कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है गुड़गांव की इस टाइम। रोड्स तो डेफिनेटली रोड्स नहीं है, लेक बन रखा है पूरा हर जगह। इट्स नॉट अबाउट कि एनी पर्टिकुलर एरिया इन गुड़गांव जिसकी ये हालत है, पूरे गुड़गांव की फिलहाल की ये हालत हो रखी है, विच इज़ रियली सैड टू सी दैट। एंड अभी बस यहाँ पे रात हो जाएगी तो लाइट ऑन होगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बट यही इस वीडियो का मकसद था आज आपको दिखाना कि हाउ गुड़गांव लुक्स लाइक इन मॉनसून। सो करते हैं एंट्री, चलते हैं अंदर एंड करते हैं एंजॉय। The vibe is really good. I
अच्छा म्यूजिक चल रहा है, इतने सुंदर कैफेज हैं। आई एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा लग रहा है अब तक, सो फार इट इज गुड। गूगल का ऑफिस है इधर एंड डेफिनेटली बहुत ही सुंदर लग रहा है वो भी। बाय द वे आई केम हियर विद माय सम ऑफ नोन पीपल, सो आई हैव सम पीपल टू कंपनी मी टुडे। एंड नॉर्मली खाना मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मैं अकेली होती हूँ, मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, बट देखते हैं आज हम क्या खाते हैं यहाँ पर, क्या एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ क्या ऊपर वाला एरिया भी बहुत सुंदर है, तो वहाँ जा रहे हैं अभी। आर्किटेक्चर वाइज ये जगह बहुत सुंदर है एंड लिखा हुआ है दैट सिंस 1990 इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, बट फेमस ये अभी रिसेंटली होना स्टार्ट हुआ है, स्पेशली आफ्टर साइबर सिटी। सीधा आर्किटेक्चर, ऐसा आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद है एंड डू इट फील्स लाइक दैट वी आर इन इंडिया। ओके, इससे याद आया, मैं जितना रिसर्च कर रही थी इस जगह के बारे में, तो आई केम टू नो कि इसको यहाँ के लोग द मिनी न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया भी ऐसा करके भी बोलते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि इट डजंट फील लाइक दैट यू आर इंडिया, जगह बहुत सुंदर है नो डाउट, इट इज़ गिविंग यू इंटरनेशनल वाइब्स, बट आई यूजली नॉट कंपेयर एनी गुड इंडियन प्लेस विद यू नो ऐसे कि इट्स मिनी न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया लाइक दैट, बट जस्ट आपसे शेयर किया बिकॉज आई केम टू नो। मैं जब स्टडी कर रही थी जगह के बारे में तो वहाँ पर लिखा हुआ था, सो आई थॉट कि ओके शेयर कर देती हूँ। ओके नाउ बहुत सुंदर सुंदर कैफेज है, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड फॉर अस कि हम कहाँ पर जाकर क्या खाएं, बट अभी एज ऑफ नाउ एक कैफे जो मैंने सोचा हुआ था आने से पहले वहाँ पर चलते हैं। मीन वाइल यहाँ पे जो रात की रौनक जो होती है वो भी जस्ट स्टार्ट ही हुई है होना यहाँ पर। लेकर जा रही हूँ वो है कर्नाटक कैफे, दिस इज़ रियली पॉपुलर फॉर देयर साउथ इंडियन फूड एंड ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड फाइंड इन गुड़गांव, इट्स नॉट डिफिकल्ट, मतलब मिल जाएगा आपको, बट यहाँ पर इस जगह पर दिस कैफे इज़ रियली पॉपुलर फॉर दिस, यहाँ का साउथ इंडियन खाना इज़ रियली गुड, तो खाते हैं चलते हैं एंड कैफे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। राइस इडली मैसूर एंड प्राइजेस भी लाइक इट्स फाइन, ओके ओके है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एंड पानी इन्होंने देखो ऐसे ग्लास में सर्व करा है, तो आपको पूरी इंडियन वाइब आएगी यहाँ पे, देसी इंडियन वाइब। नाम तो बताओ अपना। आई एम छाया। एंड आप कौन हो, मेरे क्या लगते हो? सो आई एम यू मे से फ्रेंड एंड फ्लैटमेट ऑफ आई एम हियर टू एक्सप्लोर 32nd माइलस्टोन अ बिट, गिविंग यू माइलस्टोन। यस। एंड आप? हाय माय नेम इज हर्ष। हर्ष। आई एम आल्सो यू कैन से फ्रेंड ऑफ हीना एंड वी आर हियर टू See the beauty of 32 miles tour. Yes. And अभी हम क्या order कर रहे हैं? अच्छा क्या decide हुआ? What we are deciding? Maybe we can order अक्की roti और manina maga. Fluffy dosa probably. अच्छा, वी कैन एक्सप्लोर दिस ना, कुछ नया एक्सप्लोर करने का मन है गाइस साउथ इंडिया में भी, देखते हैं। इनका इंटरेस्टिंग है मेन्यू नो डाउट एंड द मेन थिंग इज दैट इट्स प्योर वेजिटेरियन, ऑसम फॉर मी।
खा लेंगे इतना। चलो ठीक है। ओके सो हमने ये ऑर्डर करा है, दिस इज मालेश्वरम 18 क्रोर्स, ये इनकी स्पेशलिटी है एंड खुद कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट इज नेम्ड आफ्टर अ नॉस्टैल्जिक स्ट्रीट इन बैंगलोर। ठीक है तो एक ये ऑर्डर किया है एंड एक दिस वन इज रागी रोटी, इट इज मेड ऑफ नहीं अब की रोटी ऑर्डर करी है ना हमने, हाँ अब की रोटी ऑर्डर करी है एंड इट्स मेड ऑफ राइस फ्लोर एंड ओके सो दो चीज़ें हैं। चलो आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ, ट्राई करते हैं। एम्बियंस तो इनका ओके ओके है, छोटा सा ही आउटलेट है, बाहर से बहुत सुंदर था। तो खाना आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ एंड बहुत भूख नहीं है बट ठीक ठीक है खा लेते हैं। मस्त मतलब ऐसी जगह स्पेशलिटी बैंगलोर, मतलब मैंने बहुत सुना है कि इट्स वेरी पॉपुलर फूड है डोसास। मैं बैंगलोर कभी नहीं गई, साउथ इंडिया की सीरीज आपने देखी है, मैंने साउथ इंडिया में बहुत डोसा खाए हैं एंड बैंगलोर बहुत फेमस है अपने डोसा वगैरह के लिए। तो आई थिंक इनके ओनर मुझे लगता है कि ये कहीं बैंगलोर से होंगे क्योंकि हर जगह यहाँ पे कर्नाटका बैंगलोर ये सब मैंशन है इनके मेन्यू पे। गाइस ये देखो, देखने में तो खाना बहुत बढ़िया लग रहा है। ये है वो आपकी रोटी जो चावल वाली रोटी है, ये दो है, सही है खाने में भी बहुत सही होगी होपफुली। एंड ये है वो डोसा जो इनका फेमस है एंड इस डोसे की कुछ तो ज़बरदस्त है जो कभी नहीं खाया आज तक इससे पहले, देखते हैं। चलो मुझे पानी आ रहा है। ये हुई ना बात, हमने कुछ हर्ष नया ट्राई किया तो बेसिकली ये है गन पाउडर, इसके अंदर देसी घी, बहुत सही लगा, अमेजिंग। तो चटनी भी यहाँ कुछ कैसा लगा खाना? Amazing, amazing, no other words. खाना every bite was full of flavors. कैसा लगा खाना? Very tasty. Amazing. Amazing South Indian food यार. Actually it is amazing. मजा आ गया. अभी कभी भी इतना अच्छा लग रहा है. Especially ये बहुत सही था. जो क्या गन पाउडर एंड घी। अच्छा गाइस यहाँ पे ये देखो, वो जो राउंड राउंड होता है ना, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज कॉल्ड, ये रील्स आप रील्स में आपने ये बहुत देखा होगा। Overall, this place is a great entertainment hub for Delhi NCR and Gurgaon people. And यहाँ पर आपको इसके अलावा और भी बहुत amazing cafes मिल जाएंगे to explore definitely. And यहाँ पर live music वगैरह ये सब कुछ बिल्कुल normal है. And जो recommended time है आने का वो after 7 PM ही है. रात को यहाँ की vibe बहुत अच्छी होती है. So overall, it is a great place. So that's it for the day. I hope so कि आपको ये छोटा सा floor गुड़गांव का पसंद आया हो. मैंने आपको बेसिकली दो साइड दिखाई है गुड़गांव की, इसमें एक ही जो पानी भरा हुआ था बेसिकली द गुड़गांव द सिटी ऑफ लेक्स कह सकते हो एंड सेकेंड ये हैपनिंग साइड जहाँ पे आके आप नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अच्छे कैफेज एक्सप्लोर कर सकते हो, गुड फॉर यू नो लाइक टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स. तो एक ये जगह थी लाइक 95% ऑफ द कैफेज यहाँ पे एक्सपेंसिव साइड पे ही है, मतलब बाय
साइड ओनली। एनी वेज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो, एंड फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ ट्रैवलिंग।